स्टार्ट कीजिए लिखना। बेसिक्स है ये ऑफ अकाउंट्स। ठीक है ना, सबसे पहली बात ये जानो कि ये चीज़ जो मैं पढ़ा रहा हूँ किसके काम आएगा, वो किसके ज़रूरत की चीज़ है। कोई भी स्टूडेंट्स अगर मान लो 12th क्लास में उसका साइंस था, 12th क्लास में क्या था उसका, साइंस था, ठीक है, या फिर साइंस होने के बाद वो अब स्ट्रीम चेंज करना चाहता है कॉलेज में, वो कहाँ जाना चाहता है, कॉमर्स में, तो परेशानी क्या है कि जो 12th में कॉमर्स वाले बच्चे होंगे अगर वो कॉमर्स लेते हैं फिर तो उसके लिए आसान है, लेकिन साइंस वाले बच्चे अगर कॉमर्स लेंगे तो जो 11th एंड 12th में जो अकाउंट्स था वो तो उसको आता नहीं है, तो फिर वो कॉलेज का अकाउंट्स कैसे सीख सकता है। तो इधर आ जाओ, ठीक है, कैसे सीख पाएगा, तो जब तक वो बेसिक्स नहीं सीखेगा तब तक वो कॉलेज के अकाउंट्स को कॉप अप नहीं कर पाएगा। एक तो साइंस वाले के लिए हो गया, दूसरा हो गया मान लो अगर कोई कॉमर्स ग्रेजुएट हो भी चुका है जैसे आपका केस है, और अगर वो दोबारा से क्या करना चाहता है, अकाउंटिंग के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, तो फिर उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। किसी वजह से मान लीजिए आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो चुके नहीं है, साइंस ग्रेजुएट ही है, आगे चल के आपको कुछ कॉमर्स जानना हो तो उसमें भी बेसिक्स काम आएगा। इसके बगैर आप अकाउंटेंसी में ऊपर की बातें आप नहीं कर सकते। कहोगे सर ऊपर की बातें क्या होती है, पहले मैं ऊपर की बात समझाता हूँ। ऊपर की बातें होती है जैसे मान लो फाइनल अकाउंट्स, जैसे NPO, जैसे डिप्रिसिएशन। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ ये जानना जरूरी है। फाइनल अकाउंट, NPO, डिप्रिसिएशन, ब्रांच या हायर परचेज, या फिर मान लो डिसोल्यूशन, जिसको कंबाइंडली पार्टनरशिप भी कह सकते हैं, एक्सेट्रा, और भी कुछ ले सकते हो जैसे ज्वाइंट वेंचर मान लो, कंसाइनमेंट। सर जो आप बता रहे हो ये कहीं ना कहीं आएगा, आप कोर्स आएगा, जब आप ग्रेजुएशन के कोर्स में जाएंगे तो ये सब चीज़ आपको फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर कहीं ना कहीं पढ़ने को मिलेगा, या फिर मान लीजिए होल्डिंग, एमालगमेशन, ये सब एडवांस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, या फिर आप मान लो इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, रिडेम्पशन, रिडेम्पशंस, एक्सेट्रा, कितने सारे चैप्टर्स होते हैं बताओ, होते हैं ना। सर ये सब हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, इतना ही नहीं इससे और भी आगे पढ़ना पड़ेगा, ग्रेजुएशन में या फिर कोई भी एग्जाम आप पास करेंगे तो आपको आगे चल के ये सब चीज़ पढ़ना पड़ेगा। मैंने एक्सेट्रा बोला इसका मतलब एक दो टॉपिक नहीं, अभी 5-10 टॉपिक और भी होगा, लेकिन ये सब बातें तो आप तब कर पाएंगे जब वो क्या आता हो, बेसिक्स आता हो। जैसे मैं अगर साइंस की भाषा में कहूँ, साइंस की लैंग्वेज में कहूँ, अगर किसी को मान लो एलिमेंट्स का सिंबल्स नहीं पता है, उसको एटॉमिक नंबर नहीं पता है, ठीक है ना, तो क्या वो कोई रिएक्शंस दिखा सकता है, कोई कंपाउंड या कुछ बना सकता है, वो नहीं दिखा सकता है क्योंकि उनको बेसिक्स नहीं पता है। तो सिमिलरली जब तक आपको अकाउंट्स के बेसिक्स नहीं पता होगा ये सब चैप्टर्स तो आप भूल जाओ। एक्चुअली साइंस वाले बच्चों में होता क्या है कि वो अपने क्लासेस में पढ़ने में ठीक ठाक होते हैं ज़्यादातर बच्चे, तो वो फिर ये समझते हैं कि हम तो काफ़ी अच्छे हैं पढ़ने में, थोड़ा कैरीड अभी हो जाते हैं। जब हम कॉमर्स में जाएंगे हम तो कॉमर्स को बस यूँ ही कर लेंगे, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला। उनमें दिमाग उनके दिमाग में एक क्या ओवर कॉन्फिडेंस रहता है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। साइंस वाले स्टूडेंट
अपने सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट होते होंगे, लेकिन अगर वो कॉमर्स में आएंगे तो कॉमर्स की बातें उनको क्या करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, तब जाकर वो कॉमर्स में एक्सेल कर पाएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं खुद 11 12th में साइंस स्टूडेंट रहा, ठीक है ना। तो मैं खुद भी ऐसा मानता था कि कॉमर्स तो मेरे लिए बहुत आसान होगा, लेकिन जब मैं आया तो मुझे असलियत पता चला कि ऐसा नहीं है। हर स्ट्रीम्स की अपनी को खास बातें होती है। तो मैंने बेसिक्स तैयार किया, बेसिक्स तैयार करने के बाद मैंने क्या पाया कि जब मेरा बेसिक स्ट्रांग हो गया तो जो कॉमन कॉमर्स के स्टूडेंट्स थे उससे मेरी परफॉर्मेंस बेटर हो गई, ये मैंने देखा। एक स्टूडेंट जो 11 12th में भी कॉमर्स है और ग्रेजुएशन में भी क्या है उसका, कॉमर्स है, और एक स्टूडेंट जो 11 12th में साइंस है, लेकिन उन्होंने अपने साइंस के साथ साथ कॉमर्स में जाने से पहले बेसिक से स्ट्रांग कर लिया है, तो ये मैं मान सकता हूँ कि साइंस वाले स्टूडेंट को कॉमर्स वाले स्टूडेंट पे ग्रेजुएशन में क्या हो सकता है, एडवांटेज हो सकता है, ये सच है, वो उससे बेटर कर सकता है। लेकिन वो सोचेगा कि हम यूं ही बेटर कर जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर बेसिक्स कर लोगे तो आप बेटर कर सकते हो, अगर ढंग से स्ट्रांग कर लोगे तो। तो सर इसका मतलब आपका कहना है कि बेसिक्स के बगैर हम अकाउंटेंसी को सोचना बंद कर दें। बिल्कुल सही समझा आपने, बेसिक्स के बगैर अकाउंटेंसी को सोचना बंद कर दीजिए। ये सारे चैप्टर्स मैंने अभी 50% चैप्टर्स लिखे हैं, ऐसे कितने चैप्टर्स होंगे आप सोच लीजिए, और एग्जाम में आएगा यहीं से। तो बहुत बातें हो गई, तो क्या स्टार्ट करें, बेसिक्स। देखिए क्या चाहिए, जिनको हम बेसिक्स कहते हैं अभी यहाँ पे, वो 11th एंड 12th में क्या था, वो सिलेबस का पार्ट था। यहाँ पे ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन 11th 12th में सिलेबस का पार्ट था। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है जी। मैं अब ये मानकर पढ़ा रहा हूँ आपको कि आपको अकाउंटेंसी जीरो आता है, कुछ नहीं पता आपको, अकाउंटेंसी का ए नहीं पता है, सही कर रहा हूँ ना? यस सर। तो अब सबसे पहले बताइए कि अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग हम करते क्यों हैं, Why we do accounting? अकाउंटिंग क्यों करते हैं? देखो अगर थ्योरेटिकल बातों में जाओगे तो इसका बहुत सारे डेफिनेशंस होता है, बहुत सारी बातें होती है, वो अभी मुझे नहीं करना है, वो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप वहाँ से भी पढ़ सकेंगे। ये नहीं कि हिस्टोरिकली मैं डेफिनेशंस लिखाता जाऊँगा। वाई वी डू अकाउंटिंग, अकाउंटिंग हम करते क्यों? देखो होता क्या है, इंसान की मेमोरी की एक लिमिटेशन होती है, हमारे मेमोरी की क्या एक लिमिटेशन है, मानते हो? हम कितना चीज़ याद कर लेंगे, दो चीज़, पाँच छः सात दस घटनाएँ, इंसिडेंट्स या ट्रांजेक्शन्स क्या कर सकते हैं, हम मेमोराइज कर सकते हैं, मानते हो? लेकिन जब बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होंगे, बहुत सारे इवेंट्स होंगे, तो वो हमारे दिमाग में क्या होगा, स्टोर्ड नहीं रह पाता है। तो मुझे फिर क्या करना पड़ता है, उसको लिखना पड़ता है। अगर उसको लिख करके नहीं रखेंगे, चाहे आप रजिस्टर पे लिखो या आप लैपटॉप में लिखो या आप दीवार पे लिखो, कहीं पे भी क्या करना, उसको रिकॉर्ड करना होता है। बात समझ गए? रिकॉर्ड क्यों करते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर मुझे उस ट्रांजेक्शन्स के बारे में जानना हो, पता करना हो, तो मेरे पास क्या है, उसका डेटा है। एम आई राइट? तो डेटा की ज़रूरत आपको है। तो इसका मतलब सर, अगर हमें हमारे दिमाग की लिमिटेशंस अगर अनलिमिटेड होती तो क्या अकाउंटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती? शायद नहीं पड़ती। सब कुछ मेरे दिमाग में ही होता है, तो मुझे लैपटॉप की क्यों ज़रूरत पड़ती है, मुझे रजिस्टर की क्यों ज़रूरत पड़ती है, हम क्यों लिखते किसी चीज़ को? तो हम किसी चीज़ को लिखते नहीं, फिर हम अपने दिमाग में ही फीड कर लेते हैं उस चीज़ को। और देखिए ना, जो चीज़ हम अपने दिमाग में फीड कर सकते हैं उनको हम कभी भी रिकॉर्ड कम ही करते हैं। मानते नहीं मानते आपको? यस सर। तो इसका मतलब अकाउंटिंग को क्या कहा जाए, मेरे हिसाब से अकाउंटिंग को कहा जाएगा रिप्लेसमेंट ऑफ व्हाट, रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी। ये मेमोरी का एक रिप्लेसमेंट है, अकाउंटिंग क्या है, मेमोरी का एक रिप्लेसमेंट है। मेमोरी की लिमिटेशन है तो मुझे अकाउंटेंसी करना पड़ता है, अकाउंटिंग करना पड़ता है। आप अगर घर में देखेंगे, अपने घर में, मैंने आपको कल भी बताया था ये बात, जब आप मुझसे दो तीन मिनट के लिए मिले थे, आपने घर में भी देखेंगे तो लोग दीवार पे कुछ रिकॉर्डिंग कर लेता है, कितना केजी मिल्क खरीदा इसे दीवार पे डाल देगा, पांच डंडे डाल देगा, पुराने जमाने में लोग, वो भी क्या है, अ काइंड ऑफ रिकॉर्डिंग है। लोग कैलेंडर में टिक मार्क कर देता है, अ काइंड ऑफ क्या है, रिकॉर्डिंग है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि फुल फ्लेज्ड अकाउंटिंग है वो, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि वो अकाउंटिंग की क्या है, ABC है, स्टार्टिंग है, मान गए? तो अकाउंटिंग इज द रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी। तो सर अब बताइए कि ये तो समझ गए कि अकाउंटिंग में क्यों करना पड़ता है,
क्या इसके कुछ स्टेप्स हो सकते हैं? लिखिए, स्टेप्स इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं? सबसे पहला स्टेप लिखिए बच्चा, आइडेंटिफिकेशन। क्या लिखेंगे? आइडेंटिफिकेशन। जल्दीबाजी मत करना, पेशेंस से पढ़ना, एक दो क्लास में खुद ब खुद दिख जाएगा, आपको आने लगेगा समझ में। दूसरा क्या है? रिकॉर्डिंग, दूसरा स्टेप सही है। तीसरा स्टेप सर, क्लासिफिकेशन। सर चौथा स्टेप, समराइजिंग। और सर पांचवा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, मान गए? आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालिसिस एंड आइडेंटिफिकेशन। अब देखिए, आइडेंटिफिकेशन में आपको कुछ अकाउंटिंग में नहीं करना होता है। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन भी क्या है? एक तरह से रिपोर्टिंग है, इसमें भी अकाउंटिंग में कुछ नहीं करना होता है। ये तीन जो बीच में है ना, ये अकाउंटिंग है। कौन कौन सा सर? रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशंस एंड समराइज, ये अकाउंटिंग है। इसमें कुछ हिस्सा बुक कीपिंग का होता है, कुछ हिस्सा अकाउंटिंग का होता है। हालांकि जो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड दैट्स कॉल्ड व्हाट? अकाउंटेंसी। ओवरऑल जब एनालाइज करते हैं ना, उसको अकाउंटेंसी बोलते हैं। लेकिन अभी मैं इस मूड में नहीं हूँ कि आपको ये बताऊँ और बता करके उलझाने की कोशिश करूँ कि बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है। ये बात की बात अभी छोड़ दीजिए, ठीक है ना? तो सर फिर क्या है, ये जो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है ना, ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है। किस बात में हेल्प करता है? किसी भी बिजनेस के बारे में एनालाइज करके डिसीजन लेने में। लेकिन कोई भी बिजनेसमैन डिसीजन तभी ले पाएगा जब उसके पास क्या हो, उस बिजनेस का सारा डेटा उपलब्ध हो, रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध हो। बात समझ गए? तो उसका रिकॉर्डिंग हो, उसका क्लासिफिकेशन हो, उसका समराइजिंग हो, इन बेसिस पे बिजनेस के परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाएगा, इंटरप्रेट किया जाएगा और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन लिया जा सकेगा। नहीं मानते हो? कब पॉसिबल है? जब मेरे पास रिकॉर्डिंग हो, क्लासिफिकेशन हो और समराइजिंग हो। तो इसका मतलब है सर कि ये जो पांचवा स्टेप्स है, ये तभी पॉसिबल है जब ये मेरे पास तीन स्टेप्स हो। बहुत सही समझा आपने, ये तीन स्टेप्स होगा ना तभी आप क्या कर सकते हैं, पांचवा कर सकते हैं। लेकिन ये तीन भी आप तभी कर सकते हैं जब आप कौन सा कर सकते हैं, फर्स्ट कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा स्टेप हो गया? फर्स्ट। फर्स्ट के बाद क्या हो गया? सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तीनों। और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पे कौन डिपेंडेंट हो गया? फिफ्थ। तो इसका मतलब सर फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है। देखिए आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, लिखिए हेडिंग, लिखिए आइडेंटिफिकेशन में क्या करते हैं हम, ऐसी क्या बातें आइडेंटिफिकेशन में करना पड़ता है हमको, ध्यान दीजिए जी। देखो एक बिजनेस में जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो मतलब बिजनेस की बात करते हैं। एक बिजनेस में सैकड़ों तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, नहीं होते? जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, देखो मान लो किसी एम्प्लॉय का रिटायरमेंट हो गया, ये भी एक इवेंट है, एन इवेंट, बिजनेस इवेंट है कि नहीं है। एक स्टाफ का रिटायरमेंट हो गया, किसी स्टाफ का डेथ हो गया, ये भी एक इवेंट है। किसी का ट्रांसफर हो गया, ये भी इवेंट है। किसी स्टाफ के बीच में आपस में फाइट हो गई, नहीं हो सकता फाइट, स्टाफ्स के बीच में आपस में लव हो गया, मैरिजेज हो गया, ये सब क्या है, ये सब एक्सेट्रा क्या, ये सब भी इवेंट्स है, ये भी बिजनेस इवेंट्स है। और देखो हमने परचेजेस करी, हमने सेल करी, हमने सैलरी पे किया, हमने रेंट पे किया, ये भी क्या है,
यही बिजनेस इवेंट है एक्सेट्रा। ये दोनों तरह के इवेंट में आपको क्या डिफरेंस नजर आता है? एक इवेंट जो पहले का इवेंट, मैं ये बता रहा हूँ, इस इवेंट को मनी में मेजर नहीं किया जा सकता है। दे कांट बी मेजर्ड व्हाट? दे कांट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इसको मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। लेकिन जो परचेज, सेल, सैलरी, रेंट पेड, ये सब क्या है? ये मनी है, ये मनी के टर्म्स में ही होता है। मतलब क्या? दे कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इसको मनी के टर्म्स में क्या कर सकते हैं? हम मेजर कर सकते हैं। क्यों जी? यस सर। तो आइडेंटिफिकेशन में आपने देखा कि हमने जितने भी बिजनेस इवेंट्स थे उनको दो हिस्से में बांट दिया, एक जिसको मनी के टर्म्स में मेजर किया जा सकता है और दूसरा जिसको मनी के टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता है। सर इसका क्या फ़ायदा हुआ ऐसा करके? फ़ायदा ये हुआ कि इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। दीज बिजनेस इवेंट्स These business events will be recorded. ये business event क्या होगा? Record होगा, लेकिन इनको हम record नहीं कर सकते। These will not be recorded in accounting. अकाउंटिंग में ये रिकॉर्ड नहीं होता है, बट दीज बिजनेस इवेंट विल बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। इस बिजनेस इवेंट को हम अकाउंटिंग में क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। मानते हैं? यस सर। अब बात आती है सर, इसका मतलब अगर बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उस ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना होगा। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद जो फाइनेंशियल नेचर ट्रांजेक्शन्स हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, जो फाइनेंशियल नेचर ट्रांजेक्शन्स हैं उसको क्या करेंगे? आर रिकॉर्डेड, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। कंक्लूजन तो यही निकला, समझ गए? जो इमोशनल बातें होती है, जो सोशल बातें होती है, जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है, उनको हम रिकॉर्ड नहीं करते। जो पर्सनल बातें भी होती है उसको भी रिकॉर्ड नहीं करते। जो पर्सनल नेचर का चीज़ होता है उसको भी रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे बताऊँ मैं आपको, आप मेरे पास कल आए किसके लिए? इंक्वायरी करने के लिए आए ना, तो मैंने आपकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी। सिंपल, वो फॉर्म भरा वो अलग चीज़ है, लेकिन आज आपने एडमिशन लिया, फी पे किया, तो अब ये बिजनेस के लिए क्या हो गया? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गया। अब इसको हम रिकॉर्ड करेंगे अपने रजिस्टर में कि मुझे इतने पैसे आपसे मिले, लेकिन कल मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता था उसको, क्योंकि क्या, वो एक एंटिसिपेशन था, एक मेरे लिए एक बात हुई थी हमारी आपके बीच में, पता नहीं आप आए कि नहीं आए क्या पता, लेकिन अब क्या हो गए? फाइनेंशियल नेचर ट्रांजेक्शन्स हो गए। ऐसे हजारों लोग या सैकड़ों लोग रोज मिलने आएंगे या छः महीने में आते हैं, तो उनको हम क्या कह सकते हैं? फाइनेंशियल नेचर नहीं कह सकते, लेकिन जो हमारे यहाँ पढ़ते हैं, जो हमें फ़ी जमा करते हैं, वो क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल नेचर ट्रांजेक्शन्स कहलाएगा। काफ़ी एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको, समझ गए? यस सर। तो ये आइडेंटिफिकेशन की बात हो गई। तो जब आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर क्या बात आती है? रिकॉर्डिंग की। अगला स्टेप लिखिए आप, रिकॉर्डिंग। सर रिकॉर्डिंग में क्या होने वाला है? वेट करो बच्चे, सब बताएंगे। रिकॉर्डिंग में क्या करेंगे हम? जितने भी इवेंट्स मैंने सेलेक्ट कर लिए, जितने भी ट्रांजेक्शन्स हमने सेलेक्ट कर लिए जो फाइनेंशियल नेचर के हैं, उनको हम रिकॉर्ड करेंगे। अब हम भी तो आपको रिकॉर्ड करेंगे, आपने इतना फी मुझे दिया तो आपको रिकॉर्ड नहीं करना, मुझे क्या करना है? कैसे रिकॉर्ड करेंगे? जैसे रिकॉर्ड करेंगे उसका दो पार्ट होता है, रिकॉर्ड करने का दो तरीका होता है अकाउंटिंग में। एक बात जान लो, अकाउंटेंसी एक सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन भी होता है।
सिस्टमेटिकली आपको प्रेजेंट भी करना होता है सब्जेक्ट को। जैसे हम अपने घर में कैजुअली कुछ कहीं भी लिख लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता है। अकाउंटिंग में हर चीज़ का सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन होता है, सो दैट कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो, यूनिवर्सली क्या हो, उसको स्टडी किया जा सके। अब मान लो तुम अपना अकाउंटिंग अपने तरीके से कर रहे हो, मैं अपना अकाउंटिंग अपने तरीके से कर रहा हूँ, तो ना मेरी बात तुम समझ पाओगे, ना तुम्हारी बात क्या करेंगे हम समझ पाएंगे। बड़े बड़े बिजनेस के बिजनेसमैन देखोगे रजिस्टर में लिखता है ना, पता भी नहीं चलेगा क्या लिख रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि चाहता ही नहीं कि आपको पता चले, वो कोड वर्ड में लिखता है, तो वो अकाउंटिंग नहीं है। रिकॉर्ड तो फिर भी वो कर रहा है। अकाउंटिंग तो वो होता है जहाँ पे प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक एंट्री हो, जिसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, कोई भी इंसान उसको पढ़ना चाहे तो क्या कर ले, पढ़ ले और समझ ले। बात समझ गए? यस सर। तो रिकॉर्डिंग करने का दो तरीका होता है। एक होता है कि आप सब्सिडियरी बुक बनाइए, सब्सिडियरी बुक्स, ठीक है जी। और दूसरा होता है कि आप जिसका सब्सिडियरी बुक नहीं बन सकता है उसका जर्नल एंट्री पास कीजिए, उसका जर्नल्स बनाइए। जिसका सब्सिडियरी बुक बन सकता है उसका सब्सिडियरी बनाइए, जिसका सब्सिडियरी बुक्स नहीं बन सकता उसका क्या बनाइए, जर्नल्स। इसके बारे में हम आगे फिर बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि सब्सिडियरी बुक्स में कौन कौन से सब्सिडियरी बुक होते हैं। सब्सिडियरी बुक्स के पीछे का मकसद ये होता है कि बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन्स रिपीटेड नेचर के होते हैं, रिपीटेड नेचर समझ गए, परचेज है, सेल्स है, ये सब क्या होता है, बार बार होता है, तो उनकी बार बार एंट्री अलग अलग जगह पे करने से अच्छा क्या है कि उसकी एक बुक्स बना लो और एक प्रॉपर बुक में क्या करो, उसकी एंट्री करो। बुक का मेरा मतलब यहाँ पे रजिस्टर, खाली रजिस्टर जहाँ पे आप एंट्री करेंगे। बुक का मतलब कोई पढ़ने वाली बुक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट, एक प्रॉपर रजिस्टर की बात कर रहा हूँ जहाँ पे अकाउंटिंग करेंगे आप। तो सब्सिडियरी बुक्स में कौन कौन से बुक्स बनते हैं सर, मतलब कौन कौन से रजिस्टर बनते हैं। एक्चुअली लोग बुक का मतलब समझता है ये जो अकाउंटिंग की बुक है, ये कोई टैक्स की बुक है, ये सब नहीं। बुक्स मतलब प्रॉपर खाली रजिस्टर जहाँ पे अकाउंटिंग की एंट्री आप पास करेंगे। देखिए सबसे पहला बुक बनेगा आपको परचेज बुक। अभी मैं ये बनाना सिखाऊंगा नहीं, बस मैं टाइप्स बता के निकाल रहा हूँ। दूसरा क्या बनेगा सर, सेल्स बुक। क्यों सर ये सब क्यों बना रहे हैं, क्योंकि परचेज एंड सेल्स क्या होते हैं, रिपीटिंग नेचर के होते हैं, बार बार होते हैं, तो इनके लिए बुक बना लेंगे तो सारा ट्रांजेक्शन एक जगह क्या रहेगा, इकट्ठा रहेगा। आजकल तो लैपटॉप्स एंड फोल्डर्स का ज़माना है, आप जानते हैं हर चीज़ के लिए आप क्या करते हैं, अलग अलग फोल्डर बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। जैसे मान लो आप म्यूजिक सुनते हो तो आपको सैड सॉन्ग्स पसंद है, कभी कभार आपको लव सॉन्ग्स भी पसंद है, तो आप क्या करते हैं, उन सब के अलग अलग फोल्डर्स बना लेते हैं। तो फोल्डर ही क्या एक तरह से सब्सिडियरी बुक है, अगर टर्म अकाउंटिंग टर्म सॉरी मतलब कंप्यूटर टर्म्स में कहें तो फोल्डर से क्या सब्सिडियरी बुक्स है, परचेज बुक एंड सेल्स बुक। दूसरा क्या हो गया, परचेज रिटर्न बुक। बिजनेस में परचेज भी होता है तो परचेज रिटर्न भी होता है, ये भी कॉमन सी बात, ये भी हमेशा होता ही रहता है। नेक्स्ट होता है सेल्स रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। उसके बाद क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल बुक। बिल्स रिसीवेबल बुक। उसके बाद सर क्या होता है, बिल्स पेएबल बुक। उसके बाद सर क्या होता है, उसके बाद एक और बुक होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं उसका कलर चेंज कर दिया, और वो क्या होता है सर, कैश बुक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने कैश बुक कर दिया अलग से। कैश बुक का एक पार्ट और भी होता है, पेटी कैश बुक, लेकिन उसको यहाँ नहीं लिख रहा हूँ मैं आपको, वो कैश बुक के अंदर का पार्ट है वो। बात समझ गए? तो कितने बुक्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। और ये जब बुक्स बन गए और जो इस बुक में नहीं आया उसको क्या बोलते हैं, जर्नल प्रॉपर, मतलब आपको प्रॉपर जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं जर्नल प्रॉपर।
तो कुल मिलाकर कितनी जगह एंट्री होगी? कोई भी बिजनेस इवेंट्स, कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन आएगा तो या तो परचेज से रिलेटेड होगा तो परचेज बुक, सेल्स से तो सेल्स बुक, ठीक है ना, परचेज रिटर्न तो परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न तो सेल्स रिटर्न बुक, एंड सो ऑन। बात समझ गए? इन जगहों पे हम रिकॉर्डिंग करते हैं। सर थोड़ा सा और बता दो, ये इसका क्या मतलब है, बुक्स का क्या मतलब है? देखो बुक्स का मतलब ये है, जैसे आपने कभी गुड्स परचेज किया, फिर गुड्स परचेज किया, फिर गुड्स परचेज किया, और जानते हो कौन सा जो क्रेडिट परचेज किया? सर क्रेडिट परचेज का मतलब क्या होता है? सारा चीज़ अभी पूछ लोगे तो आगे क्या पूछोगे? उधार में परचेज करना, उधार परचेज, उधार समझ गए ना, मतलब पेमेंट अभी आपने नहीं किया है। तो परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेज आता है, सेल्स बुक में क्या आता है? सिर्फ क्रेडिट सेल्स आता है, और इसी का रिटर्न यहाँ पे आता है, इसी का रिटर्न यहाँ पे आता है। बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल अभी आप रहने दो, अभी समझ में नहीं आएगा। तो सर कैश बुक में फिर क्या आता है? ये देखो ना, जब क्रेडिट परचेज यहाँ पे आया तो कैश परचेज कहाँ पे आएगा? कैश बुक में। अगर आपने उधार में परचेज किया तो परचेज बुक में गया, उधार में सेल किया तो सेल्स बुक में गया, लेकिन कैश में किया तो कैश बुक में। जितने भी कैश की ट्रांजेक्शन्स होंगे, सिर्फ कैश परचेज एंड कैश सेल्स नहीं, और भी हो सकते हैं क्या सर? जैसे सैलरी पेड, जैसे रेंट पेड एंड एक्सेट्रा। कितनी बातें लिखूं मैं, बिजनेस में हजारों किस्म के कैश पेमेंट्स होते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो यहाँ तक नहीं है? बहुत अच्छी बात सर। तो सर आपने ये सिखाया अभी तक कि हम पहले ट्रांजेक्शन्स को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, अगर वो फाइनेंशियल नेचर का हुआ तो यहाँ से उठा लेंगे और उसको रिकॉर्डिंग कर लेंगे। ठीक है, बस सर रिकॉर्डिंग के बाद क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग के बाद क्या करेंगे, इससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। रिकॉर्डिंग में क्या करेंगे सर? या तो बुक्स बनाएंगे या जर्नल एंट्री पास करेंगे। रिकॉर्डिंग के बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आइए। क्या बताया था मैंने आपको, देखो ना, थर्ड स्टेप था क्लासिफिकेशंस। लिखिए जी बच्चों क्लासिफिकेशंस। सर क्लासिफिकेशंस में क्या होगा? जितनी भी बातें आपने रिकॉर्ड करी है ना, उन सारे एंट्रीज को क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। क्या करेंगे उसको? क्लासिफाई करेंगे एज पर दियर नेचर। कैसे सर, फिर समझाओ, बताता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके स्कूल का ले लेता हूँ। आपके स्कूल में जितने बच्चे पढ़ते हैं या आपके कॉलेज में जितने बच्चे पढ़ते हैं, वो सारे बच्चे को अगर एक जगह हम रिकॉर्ड कर दें तो क्या कहलाएगा? रिकॉर्डिंग्स। लेकिन जब एक जगह हम रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें फर्स्ट ईयर के बच्चे भी होंगे, उसमें सेकेंड ईयर के बच्चे भी होंगे, उसमें थर्ड ईयर के बच्चे भी होंगे। फर्स्ट ईयर में फिर साइंस भी हो सकता है, कॉमर्स भी हो सकता है, आर्ट भी हो सकता है, सेकेंड में एंड थर्ड में भी। तो देखा आपने, तीन तीन छः एंड तीन नौ, नाइन प्लेसेस पे क्या हो गया, वो क्लासीफाई हो गया। जब मैंने रिकॉर्डिंग करी तो सब एक साथ हो गया, लेकिन क्या सब बच्चों को एक साथ ही रखेंगे हम? नहीं, मुझे अलग अलग भी पता करना है कि हर सेक्शंस में, हर क्लासेस में कितने बच्चे हैं। तो ये कब पता चलेगा? जब क्लासीफाई करेंगे। तो बिजनेस में हजारों तरह के डेटा होते हैं, लेकिन मुझे ये पता करना है उसमें से कौन सा डेटा मेरे काम का है, सॉरी मेरे लिए किस काम से रिलेटेड है। अब जैसे मान लो परचेज करते हो आप, परचेज तो बहुत कुछ करते होगे, तो उन सब का क्या, आइटम्स का क्या करना है, अलग अलग एंट्री करना है। बात समझ गए? तो जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन सबको मुझे क्लासीफाई करना पड़ेगा। क्लासीफाई नहीं करेंगे तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाएगी, हॉच पॉच हो जाएगा। क्लासीफिकेशन के बगैर काम तब चल सकता है जब आपके पास बहुत कम संख्या में क्या हो, ट्रांजेक्शन्स हो। लेकिन जब बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हो जाएंगे, हजारों ट्रांजेक्शन्स हो जाएंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे, तो आप बिजनेस नहीं चला पाएंगे, आपको क्लासीफाई करना पड़ेगा। बात समझ गए? राइट जी बच्चों, आइए तो क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं सर? क्लासिफिकेशन हम जैसे करते हैं उसको हम बोलते हैं लेजर। क्या बोलते हैं उसको? लेजर्स, LEDGERS। लेजर्स बोलते हैं उसको, इसमें और कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ लेजर्स ही होता है सर। तो लेजर्स कैसे बनता है,
अभी मैंने सिखाऊंगा नहीं बनाना आपको, लेकिन मैं हल्का सा फॉर्मेट दिखाता हूँ ताकि आपकी क्वेस्ट जो है ना, आपकी जो भूख है ना वो ख़त्म हो जाए। ऐसे बनता लेयर देखना, ये टी शेप में, ये एक साइड डेबिट होता है और दूसरी साइड क्या होता है, क्रेडिट होता है। ये टी शेप में बनता है। मैं अभी कह रहा हूँ कि ये प्रॉपर शेप नहीं है, प्रॉपर शेप अभी आगे आएगा जब हम लेजर बनाना आपको सिखाएंगे। बात समझ गए, टी शेप में बनता है। बात समझ गए, इसमें नेम ऑफ द अकाउंट लिखा है, जैसे मान लो रेंट अकाउंट है तो यहाँ रेंट अकाउंट होता है, उसका ये डेबिट साइड, उसका ये क्या है, क्रेडिट साइड। लेजर से ऐसे बनता है। हर ट्रांजेक्शन्स का अलग अलग लेजर बनता है, हर ट्रांजेक्शन्स का। जैसे मैंने रेंट बना दिया, कैश अकाउंट, इतना तो लिख लीजिए। मैं एक सेकंड का, सिर्फ एक सेकंड में चुप हो जाता हूँ क्योंकि आवाज़ थोड़ी आ रही है, तब तक इतना लिख लीजिए आप। अब देखिए जी बच्चों, आगे इसका लेजर्स में ऐसे बनता है। मैंने कहा ना, जैसे रेंट के लिए सेपरेट लेजर खुला, कैश के लिए सेपरेट खुलेगा, सब के लिए अलग अलग। जैसे जितने फोल्डर्स आप बनाते हो ना अपने लैपटॉप में, जितने फोल्डर्स, उसको अपने आप में क्या समझ लो, एक एक लेजर्स। कैश के अलग, रेंट के अलग, सैलरी अलग, रिपेयर अलग, डिप्रेशन अलग, फर्नीचर अलग, बिल्डिंग अलग, मशीनरी अलग, जितने भी आइटम्स है सबके लिए क्या खुलेगा, अलग अलग लेजर्स खुलेगा। उससे फायदा क्या होगा कि हमें उस पर्टिकुलर आइटम्स के बारे में पूरी जानकारी उसी लेजर से मिल जाएगी। बात समझ गए, सारे लेजर्स बनेंगे। लेकिन लेजर्स बनाने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो कहाँ से आएगा? सर वो रिकॉर्डिंग से आएगा। ये रिकॉर्डिंग मैंने क्यों किया था, मतलब आपका कहने का मतलब सर ये है कि हम परचेज बुक से लेजर बनाएंगे, श्योर। सेल से बनाएंगे, बिल्कुल इसी का इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। क्या जर्नल प्रॉपर से हम लेजर बनाएंगे? यस, इन्हीं सब को हम लेजर में ट्रांसफर करेंगे। तो सर जब हम रिकॉर्डिंग से लेजर बनाएंगे तो उसको क्या कहते हैं, ध्यान देना। जब हम रिकॉर्डिंग्स जो हमारे पास है उनको लेजर में ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर इन लेजर्स, तो क्या कहेंगे सर इसको? इसको बोलते हैं पोस्टिंग। क्या बोलते हैं इसको? पोस्टिंग। और सुनोगे तो लोग बोलते हैं लेजर पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग। समझ गए? तो जब मैं आगे चल के कभी ये टर्म इस्तेमाल करूँगा लेजर पोस्टिंग, तो आप समझ जाना कि मेरा कहने का मतलब है कि मैं रिकॉर्डिंग्स में जो भी आइटम्स है उसको उठा उठा के एक एक करके अलग अलग क्लासीफाई करूँगा और लेजर बनाऊँगा। दैट्स कॉल्ड लेजर पोस्टिंग। कैसे करूँगा ये बातें अभी नहीं हो सकती, अभी तो सिर्फ बेसिक्स का भी बेसिक क्लास है ये, जो मैं बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ ना उसका भी ये बेसिक्स क्लास है। ज़्यादा जंप मारेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा जंप मारूंगा ही नहीं। तो सर अब क्या होगा इसके बाद,
इसके बाद आइए तीसरा क्या था, सर समराइजिंग था। कैसे होगा सर समराइजिंग? देखिए समराइजिंग क्यों होगा, क्या जरूरत है? पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कैसे होगा। जब आप ये लेजर बनाएंगे ना, तो जैसे रेंट अकाउंट है तो आपको पता चल जाएगा रेंट में कितना अमाउंट है, मान लो 10,000, कैश में कितना अमाउंट है मान लो 20,000। हर किसी का अलग अलग फोल्डर्स है तो हर किसी का टोटल अमाउंट, टोटल बैलेंस क्या होगा पता चल जाएगा, नहीं पता चल जाएगा? ऐसे आपके पास कैश रेंट, जैसे आपके पास 100 लेजर्स है, मान लो क्या आपके पास है 100 लेजर्स, तो उस हर 100 लेजर्स की क्या होगी सेपरेट सेपरेट बैलेंस आपको पता चलेगा, चलेगा ना? तो उन सारे बैलेंसेस को एक जगह में इकट्ठा करेंगे, और जब एक जगह इकट्ठा करेंगे तो उसी इकट्ठा करने को ही क्या बोलते हैं हम, समराइजिंग। बात समझ गए? मतलब ये लिखता हूं, देखो ऑल द बैलेंसेस ऑफ लेजर्स आर पुट टुगेदर इन वन प्लेस ऑल द बैलेंस ऑफ लेजर्स आर पुट टुगेदर इन वन प्लेस, ठीक है ना? एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट, या पुट मत करो, केप्ट रखो यहां पे, केप्ट टुगेदर आर केप्ट टुगेदर इन वन प्लेस, और इसी को क्या बोलते हैं हम समराइजिंग। और जो वन प्लेस होगा, वन प्लेस क्या कहलाएगा, वो वन प्लेस क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ट्रायल बैलेंस। वो वन प्लेस क्या कहलाएगा, ट्रायल बैलेंस। क्या बात है सर, समझ गए ना? वो कहलाएगा ट्रायल बैलेंस। तो इसका मतलब सर हम समराइजिंग जहां करते हैं उसको ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। यस ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। ट्रायल बैलेंस के अलावा और भी डॉक्यूमेंट्स होता है, लेकिन पहले ट्रायल बैलेंस के बारे में समझ लो। ट्रायल बैलेंस क्या होता है सर? कुछ नहीं, ये ऐसे ही वर्टिकली बनता है, दो कॉलम। इसके बारे में ये मत समझना कि बात जो मैं कर रहा हूँ फाइनल कर रहा हूँ, नहीं ये फाइनल बातें नहीं है, ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी बातें हैं। इन सब के बारे में डिटेल बातें भी होगी, अभी कितनी क्लासेज लगेगी मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन सब के बारे में डिटेल बात होगी। ये होगा डेबिट कॉलम, और ये क्या होगा क्रेडिट कॉलम, और इसमें क्या होंगे, इसमें होंगे नेम ऑफ अकाउंट्स, और इसमें क्या होंगे सीरियल नंबर। सीरियल नंबर मतलब जितने भी अकाउंट्स होंगे उनको सीरियली यहाँ लिखते जाएंगे, 1, 2, 3, 4। मैंने 100 एग्जाम्पल दिया तो 100 लिखोगे, जितने मैंने कहा था वो तो मैं नहीं बता सकता, तो सवाल बताएगा ना कितने ट्रांजेक्शन्स होंगे। अब 1 पे मान लो रेंट है तो रेंट होगा, 2 पे सैलरी है सैलरी होगा, सपोज कर लो। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ये मत याद कर लेना कि रेंट वन प्लेस पे ही होता है। एग्जाम्पल फर्नीचर है, बिल्डिंग है, ऐसे बहुत सारी आइटम्स होंगे, और उस आइटम्स के जो बैलेंसेज होंगे या तो डेबिट में होंगे या कहाँ होंगे क्रेडिट में होंगे। जैसे मान लो कैपिटल है, अब आप कहोगे सर आपने रेंट सैलरी फर्नीचर डेबिट को डेबिट में क्लिक किया है बिल्डिंग को, क्योंकि ये सब डेबिट में आता है, और कैपिटल को मैंने क्रेडिट में क्लिक किया क्योंकि ये कहाँ आता है क्रेडिट में आता है। अब ये कितना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गया कि सर क्या डेबिट क्या है क्रेडिट क्या है, और क्यों डेबिट में आता है क्यों क्रेडिट में आता है। मैं कहता हूँ कि बस आप नाम याद रख लो कि डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है, इसके बारे में बात होगी। समराइजिंग में इस ट्रायल बैलेंस के साथ साथ हम और क्या बनाते हैं, समराइजिंग में ट्रायल बैलेंस के साथ साथ हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। और क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। ये भी बनाते हैं।
लेकिन मैं इसके बारे में भी बात भी करना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि आसान नहीं है इसके बारे में भी बात करना। बस इतना बताता हूँ कि अगर आप कॉलेज में हैं तो इसमें से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 11 मार्क्स का, और जब तक आप ये सारे बेसिक्स ढंग से नहीं पढ़ेंगे आप ये नहीं कर पाएंगे, मान गए। और इसी चैप्टर जहाँ पर ये बनाना पड़ेगा, इसी चैप्टर को बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स। सुना तो होगा नाम, क्या बोलते हैं उसको? फाइनल अकाउंट्स, जहाँ पे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट बनता है। ठीक है सर। तो सर एक बार बताओ, अभी क्या कहा आपने? मैंने कहा अभी कि बच्चे आप क्या करो, सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करो, अगर वो फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शन है तो उसको रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड कहाँ करोगे? इस बुक्स में करोगे, ये बुक जो मैंने बनाया है, ठीक है ना, इस बुक्स में करोगे। इसमें अगर ये बुक्स में नहीं हो पाएगा एंट्री तो कहाँ करेंगे सर? तो फिर जर्नल प्रॉपर में करोगे, मान गए। सब समझा दिया, ये कैश बुक भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सर अगर बुक्स बन गए तो क्लासीफाई करो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करो? क्लासीफाई। और क्लासीफाई करने के लिए किसका इस्तेमाल करो? क्या क्लासिफिकेशन को बोलते हैं क्या हम लोग? क्लासिफिकेशन को बोलते हैं लेजर। क्या बोलते हैं? लेजर। लेजर में क्या होता है, सारे ट्रांजेक्शन के अलग अलग अकाउंट खुलते हैं, अकाउंट खोलना बोलते हैं इसको, जानते हो? कभी आप बैंक में जाओ, अपना अकाउंट नंबर बैंक को बताओ, सुन रहे हो? तो बैंक क्या करेगा, आपके अकाउंट नंबर के हेल्प से क्या करेगा, वो आपका पूरा पासबुक सामने ले आएगा और उसमें देख लेगा कि कितनी आपने जमा करी या कितने पैसे आपने निकाले हैं। ऐसे हज़ार कस्टमर्स अगर बैंक के पास है तो हज़ारों के अलग अलग अकाउंट्स हैं, है ना, और सबका अकाउंट नंबर भी क्या है, अलग अलग है। तो बेसिकली दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लेजर, वहाँ लेजर बना हुआ सबका अलग अलग, ठीक है। फिर आपके पास लेजर अगर होता है तो समराइजिंग करो। समराइजिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट बनता हो, किसका नाम क्या है, ट्रायल बैलेंस है, बेस्ट है। सर ट्रायल बैलेंस को और डिटेल बताओ, नहीं बता सकते। क्या होता है ये रेंट वेंट सैलरी वैलरी, नहीं बता सकते। क्या होता है डेबिट क्रेडिट, नहीं बता सकते। वेट वेट फॉर द राइट टाइम टू कम। भाई अकाउंटेंसी तो सारा डेबिट क्रेडिट का ही खेल तो है, इसके बारे में बात तो होती रहेगी आपसे, अभी होगी और भी। तो मैंने पढ़ा भी दिया आपको यहाँ तक और रिपीट भी कर दिया है। आइए अब इससे आगे चलते हैं, थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करते हैं। क्या लिखना है मुझे, लिखिए आप। अब लिखिए कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में लिखिए, या कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम अगली क्लास में बताएंगे आपको, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो काफ़ी लंबा खींचेगा, बात समझ गए। तो जितना टाइम मेरे पास बचा हुआ उस टाइम में मैं अभी टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में बात कर लेता हूँ, कॉन्सेप्ट्स अगली क्लास में बात होगी। लिखिए टाइप्स ऑफ अकाउंट। सबसे पहला टाइप है पर्सनल अकाउंट, फिर दूसरा टाइप है रियल अकाउंट्स। अकाउंट का मतलब समझ गए ना, कि जैसे अकाउंट बैंक में सबका अलग अलग अकाउंट खुला हुआ है, वैसे यहां पे हर आइटम्स का क्या होगा, अलग अलग अकाउंट्स खुलेगा। और तीसरा क्या होता है सर? तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट्स। ऐसे बोल देने से बात नहीं बनेगी, लेकिन इसको आगे समझाने से पहले मैं कुछ बात आपसे पूछना चाहता हूं। और बात यह है, अगर एक बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो मुझे बताइए कि सबसे इम्पॉर्टेंट आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए आपके पास जिससे आप बिजनेस क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। क्या होना चाहिए आपके पास जिससे आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? आपने सही आंसर दिया, कैपिटल। 100 में से 100 बच्चे आंसर देते हैं कैपिटल। कैपिटल से मतलब क्या समझते हैं आप? पैसा समझते हैं ना। कैश होना चाहिए जिससे हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कैश होगा तभी तो फर्नीचर प्लांट सैलरी वैलरी सब पे कर पाएंगे, तभी गुड्स परचेज कर पाएंगे, तभी बिजनेस चला पाएंगे, मान गए, ठीक है जी। लेकिन ये आपका आंसर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर एक इडियट को अगर 1 करोड़ रुपया दे दो तो क्या अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेगा? सही सही बताओ, क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो इडियट लुनाटिक्स है, ड्रंकन है। ड्रंकन समझते हो ना, पी के टूल रहता है, कभी कभार पीता वो। मैं उसके बारे में सारे पीने वालों का मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, नहीं समझे, सारे पीने वालों की बुराई नहीं कर रहा हूँ,
अपनी मर्जी सब पीते ही हैं, लेकिन जो पी करके हो तो होश हवास खो जाते हैं तो क्या बिजनेस कर पाएगा, मानते हो? सही सर। तो इसका मतलब अब अपनी बात को वापस लीजिए आप कि सर कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। कैपिटल तो किसी के पास भी हो सकता है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं का दरबार क्या हो गया, बर्बाद हो चुका है। उनके पास तो बहुत कैपिटल था, क्यों ख़त्म हो गया? बच्चे नालायक हो गए तो क्या हो गया, शासन व्यवस्था सारी खत्म, कंट्रोल ही खत्म हो गया। मतलब सर साफ सबसे इम्पोर्टेंट किस बात का है, ब्रेन है। ब्रेन होगा तो पैसा नहीं भी होगा तो भी काम कर लेंगे, लेकिन अगर ब्रेन नहीं है और पैसा बहुत है तो निश्चित रूप से आप कोई बिजनेस के बारे में मत सोचो, उसी पैसा को रख लो संभाल के, इंटरेस्ट उंटरेस्ट खा के जीवन काट लो। क्योंकि बिजनेस करने के लिए क्या होना चाहिए, पैसे से ज़्यादा ज़रूरत क्या है, ब्रेन की है। आप उठाकर देख लो इतिहास में, कई सारे बंदे आपको मिलेंगे, ज़्यादातर बंदे मिलेंगे जिनके पास पैसे बिल्कुल नहीं थे, खाने पीने को नहीं थे, और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बन गए। हो कैसे बन गए, पैसे तो यहाँ वहाँ से जुगाड़ हो ही जाता है, साधन तो इकट्ठा हो ही जाता है, लेकिन क्या होना चाहिए, ब्रेन होना चाहिए। जो इसरो के बारे में हम इतना प्राउड फील करते हैं, उस इसरो के पास पैसे नहीं होते थे, सरकार उसको उतना फंड अलॉट नहीं कर पाती थी क्योंकि सरकार के पास भी नहीं होता था, वो बैलगाड़ी पे अपना प्रोजेक्ट सब ढोते थे, लेकिन आज इसरो देखो कहाँ पहुँच गया। तो क्या जरूरी है सबसे पहले, ब्रेन। बात समझ गए, बहुत अच्छी बात। इसरो के जो चीफ है उनको देखा आपने, देखना कभी टीवी पर जाके, जो इसरो का भी चीफ है वो कितना सिंपल देखने में लगते हैं। अगर आपको सड़क पर कहीं मिल जाए ना तो लगेगा कोई, मतलब पता नहीं कौन है, रिक्शा चलाने वाले की कौन है ये, और इसरो का चीफ है वो। थोड़ी बात डेविएट हो रही है, मैं वापस मुड़ता हूँ। तो मैंने क्या कहा कि बिजनेस चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ब्रेन है। ब्रेन क्या डॉग्स में होता है, होता है, लेकिन क्या वो ब्रेन सफिशियंट है बिजनेस चलाने के लिए, नहीं। किसी और लिविंग बींग में है, नहीं है। किस में है ब्रेन, ह्यूमन बींग में। ह्यूमन बींग में जो मेल फीमेल है वो बिजनेस चला सकता है, उसके पास इतना ब्रेन है, इतना एडवांस ब्रेन है कि वो चला सकता है। तो जो ह्यूमन बींग है इसका मतलब वो बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास में ना हो और मैं क्लास में ना हो तो क्लास चलेगा क्या, और हम दोनों हो और कुछ भी ना हो तो क्लास हम खुले आसमान में भी ले सकते हैं। हमारी इच्छा शक्ति पढ़ने की हो तो पार्क में बैठ के हम पढ़ सकते हैं। ये हमारे पास एसी नहीं भी हो, क्लासरूम नहीं भी हो, ये सारा रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं भी हो तो हम क्या कर लेंगे, पार्क में बैठ के पढ़ लेंगे। पुराने ज़माने में कौन से सिस्टम होते थे, लोग स्ट्रीट लाइट में पढ़ते थे, कैंडल लाइट में पढ़ते थे। बात समझ गए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रेन, और ब्रेन किसके पास है, तो ह्यूमन बींग के पास, और ह्यूमन बींग किसी बिजनेस के सबसे इम्पोर्टेंट है। उसी ह्यूमन बींग को क्या बोलते हैं हम, पर्सनल अकाउंट। क्या बोलते हैं उसको, पर्सनल अकाउंट। आप कहोगे सर आपने बहुत घुमा फिरा के बताया, डायरेक्टली क्यों नहीं बात की है, नहीं किए, कुछ वजह है। जनरली लोग पर्सनल से क्या समझता है, पर्सनल मतलब लोग समझता है व्यक्तिगत, व्यक्तिगत समझ गए। दिस बुक इज माई पर्सनल, दिस बाइक इज माई पर्सनल, हियर द पर्सनल मीनिंग इज नॉट लाइक दैट। पर्सनल मीनिंग यहां पे क्या, पर्सन्स। जो लोग जो पर्सन्स बिजनेस से जुड़े हुए हैं उसको क्या बोलते हैं हम, पर्सनल अकाउंट। बात समझ गए। और ये जो पर्सनल अकाउंट होते हैं ये फर्दर तीन तरह के होते हैं, कौन कौन सर? एक होता है नेचुरल पर्सनल, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सनल, आई एम सॉरी, और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। मान गए सर जी, ये तीन हो जाते हैं, ऑफ कोर्स तीन हो जाते हैं। नेचुरल में क्या होता है, ऑल ह्यूमन बींग्स, ऑल ह्यूमन बींग्स, जितने ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं सारे नेचुरल होंगे, जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं। जो बिजनेस से जुड़ा ही नहीं है उसको बिजनेस रिकॉर्ड करके क्या करेगा, ठीक है ना। ऑल ह्यूमन बींग्स, राम श्याम गीता रीता कुछ भी लिख लो, एवरीबॉडी, अंडरस्टैंड ना। आर्टिफिशियल में क्या होते हैं, ऑल द इंस्टीट्यूशंस, ऑल द इंस्टीट्यूशंस, ठीक है बच्चे। और रिप्रेजेंटेटिव में क्या होते हैं, ये खुद तो पर्सनल नहीं होते, किसी को रिप्रेजेंट करते हैं,
इसको थोड़ा ज़्यादा समझना है। पहले उससे पहले ऑल द इंस्टीट्यूशंस में मैं लिख देता हूँ कुछ, जैसे स्कूल्स हो गया, कॉलेजेस हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया एक्सेट्रा, ये सारे क्या हो गए? आर्टिफिशियल्स। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे? रिप्रेजेंटेटिव में, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव जाने से पहले एक बार फिर से आर्टिफिशियल पे, अगर आप राइट वे इंस्टीट्यूट की बात करो तो ये क्या होगा? ये भी आर्टिफिशियल होगा, ये भी तो इंस्टीट्यूट ही है। कोई भी संस्था किसी भी फील्ड से जुड़ा हो वो सभी क्या कहलाएंगे? आर्टिफिशियल बॉडी कहलाएंगे, उसको आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। अगर मैं बैंक्स की बात करूं तो बताओ, आर्टिफिशियल, वो भी पर्सनल है, बैंक्स भी पर्सनल है। सर तो अब रिप्रेजेंटेटिव के बारे में बताने का समय आ गया। हाँ सर, पहला लिखिए कैपिटल। क्या होता है कैपिटल? अभी कुछ देर पहले आप बोल रहे थे जो कैश होता है उसी को कैपिटल बोलते हैं। नहीं, कैपिटल का अकाउंटिंग मीनिंग होता है, देखो जनरल मीनिंग तो कैपिटल का यही होता है, कॉमन भाषा में लोग यही बोलते हैं, मेरे पास कैपिटल ही नहीं है, पूंजी नहीं है। उनका कहने का मतलब होता है कैश नहीं है, लेकिन कैपिटल का मीनिंग अकाउंटिंग में कुछ और है। कैपिटल मीनिंग होता है, देखो, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस, जो भी अमाउंट बिजनेसमैन ने कहाँ इन्वेस्ट किया है, बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? कैपिटल। जो भी, चाहे आप इन कैश करें, अमाउंट से मतलब कैश लगता है, लेकिन यहां लिख देता हूं वेदर इन कैश और इन काइंड, आप कैश में बिजनेस में लगा सकते हैं और काइंड में भी लगा सकते हैं। क्या मतलब सर? आपके पास 1,00,000 रुपया है, बिजनेस में लगा दो, क्या हो गया? कैपिटल। आपके पास एक बिल्डिंग है, बिजनेस में लगा दो, क्या हो गया? कैपिटल। बिल्डिंग बिजनेस में आके क्या हो गया? कैपिटल। बात समझ गए? डबल एंट्री सिस्टम समझोगे तो और बढ़िया समझोगे। जो भी चीज़ आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया सारा क्या कहलाएगा? कैपिटल। चाहे कैश इन्वेस्ट किया, बिल्डिंग इन्वेस्ट किया, फर्नीचर इन्वेस्ट किया, मशीनरी इन्वेस्ट किया, सारा कैपिटल। तो कैपिटल एक रिप्रेजेंटेटिव हो गया। कैपिटल के अलावा दूसरा पॉइंट लिखो, ड्रॉइंग्स। जानते हो कैपिटल को मैंने रिप्रेजेंटेटिव क्यों बोला? क्योंकि कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है? कैपिटल रिप्रेजेंट्स बिजनेसमैन। कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है? बिजनेसमैन को। कैपिटल रिप्रेजेंट्स बिजनेसमैन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? रिप्रेजेंटेटिव। इसको रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। बात समझ गए? कैपिटल रिप्रेजेंट्स बिजनेसमैन। ड्रॉइंग मतलब क्या होता है? लिखो, अमाउंट विदड्रॉन बाय अमाउंट मत लिखो, एनीथिंग लिखो। अमाउंट का मतलब होता है कैश, एनीथिंग मतलब कैश भी हो गया। एनीथिंग वेदर इन कैश और इन काइंड, कैश भी हो सकता है और काइंड भी हो सकता है। विदड्रॉन, विदड्रॉन मतलब होता है निकालना, बाय बिजनेसमैन फॉर पर्सनल यूज, एनीथिंग वेदर इन कैश और इन काइंड विदड्रॉन बाय बिजनेसमैन फॉर पर्सनल यूज, तो क्या कहलाएगा वो? ड्रॉइंग्स कहलाएगा। जो भी चीज उसने पर्सनल यूज के लिए निकाला वो क्या कहलाएगा? ड्रॉइंग्स कहलाएगा। मान गए बच्चे? यस सर। अब देखिए और भी कुछ इसमें होता है, इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो मैंने लिखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखो एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, एक्सपेंसेस जो होते हैं वो रेगुलर नेचर के होते हैं, रिपीटिंग नेचर के होते हैं। जैसे रेंट पे करना है तो बार बार पे करना है, सैलरी पे करना है तो बार बार पे करना है, रिपेयर करना है तो बार बार करना है, ये सब रिपीटिंग नेचर के होते हैं। अब बिल्डिंग खरीदना तो क्या बार बार खरीदते हो क्या? अगर आपको बिल्डिंग खरीदना तो क्या बार बार खरीदते हो? लेकिन रेंट पे करना हो तो बार बार पे करते हो। जो रिपीटिंग नेचर के होते हैं उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस, और वो होता है नॉमिनल अकाउंट, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा।
लेकिन अगर आपने उसको पे नहीं किया है तो क्या कहलाता है वो? आउटस्टैंडिंग। और जैसे ही वो आउटस्टैंडिंग हो गया तो क्या हो गया वो? पर्सनल अकाउंट। बात समझ गए? जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट, ध्यान देना रेंट यहां पे क्या है, एक्सक्यूज मी, रेंट क्या है यहां पे? रेंट यहां पे पर्सनल अकाउंट, आई एम सॉरी, रेंट यहां पे नॉमिनल अकाउंट है, रेंट यहां पे नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन उसके पीछे अगर आउटस्टैंडिंग लग गया तो क्या हो गया वो? पर्सनल अकाउंट। समझ गए? और देखो प्रीपेड रेंट, रेंट यहां पे है नॉमिनल अकाउंट, अभी नॉमिनल बताया नहीं फिर भी मान लो नॉमिनल अकाउंट, लेकिन उसके पीछे आपने प्रीपेड लगा दिया तो क्या हो गया ये? पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है नॉमिनल अकाउंट, उसके पीछे आउटस्टैंडिंग लगा दिया तो क्या हो गया वो? पर्सनल अकाउंट। एडवांस रिसीव्ड, ये एडीबी मतलब एडवांस होता है, एडवांस रिसीव्ड ऑफ रेंट, मान लो रेंट क्या है लेकिन एडवांस रिसीव्ड क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट। तो इसका मतलब सर ये हो गया कि अगर किसी नॉमिनल अकाउंट में, सर नॉमिनल क्या होता है अभी नहीं पता है मुझे, बताऊंगा। अगर किसी नॉमिनल अकाउंट में, ध्यान देना, अगर किसी नॉमिनल अकाउंट में ठीक है आउटस्टैंडिंग लग जाए, प्रीपेड लग जाए, एडवांस लग जाए, अक्रूड लग जाए, ये सब वर्ड अगर आगे पीछे जुड़ जाए किसी भी नॉमिनल अकाउंट में, ये सब वर्ड क्या हो जाए? आगे या पीछे, प्रीफिक्स या सफिक्स क्या हो जाए? एडेड हो जाए, तो किस में कन्वर्ट कर जाएगा वो? पर्सनल अकाउंट में, ठीक है ना। देन दे विल टर्न इनटू पर्सनल अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट बन जाएगा, दे विल कन्वर्ट इनटू पर्सनल अकाउंट। अंडरस्टैंड? पक्की बात? पक्की बात सर। तो ये सर देखो कितने सारे एग्जाम्पल्स मैंने पर्सनल अकाउंट के दिए, कैपिटल ड्रॉइंग्स, कैपिटल ड्रॉइंग का सीधा रिलेशन किससे है? बिजनेसमैन से है। बिजनेसमैन का पैसा लगाना कैपिटल, बिजनेसमैन का पैसा निकालना क्या हो गया? ड्रॉइंग्स। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, ये सब क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट्स। और आपने देखा कि आर्टिफिशियल समझा दिया, नेचुरल समझा दिया, नेचुरल में आप राम ले सकते हैं, श्याम ले सकते हैं, जितना भी आपका अपना नाम ले लो, गीता ले सकते हैं, रीता ले लो, कोई भी नाम ले लो, और क्या, जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं सारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट। तो ये रही बात आपके साथ मेरी आज पर्सनल अकाउंट की। इसके बाद जो बात आपसे हम करेंगे पर्सनल अकाउंट के बाद, उस किसके बारे में बात करेंगे? रियल अकाउंट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? रियल अकाउंट के बारे में। अब फिर उसके बाद बात करेंगे किसके बारे में? नॉमिनल अकाउंट के बारे में। लेकिन मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।